हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स ऑडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारे पहले क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज। जो पहला क्वेश्चन है वो है रेल दृष्टि को लेके है कि हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं तीन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो करना है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि रेल दृष्टि वो एक डैशबोर्ड है जो कि वेरियस इन्फो सोर्स से इन्फॉर्मेशन है उनको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड है वो करवाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ओनली रेलवे इंप्लॉय है उनके लिए अवेलेबल रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसे लॉन्च है वो किया गया है। देखो, हम बात करें इसके बारे में तो ये केवल आम सिटीजन के लिए भी है, ना कि ओनली इंडियन रेलवे के इंप्लॉय के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारे सामने दो आते हैं, एक तो पहला हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च इसे किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा रेल दृष्टि एक डैशबोर्ड स्टार्ट, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है जिसका काम क्या है कि रेलवे के सारे काम है, एक ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सब क्रिएट की जाए और सारा काम एक ही प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेलेबल है वो हो जाए। तो यह आम जनता के लिए भी अवेलेबल है वो रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चागोस आइलैंड को लेकर। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह ऑफिशियली है वो यूएसए से बिलोंग करता है। सेकेंड स्टेटमेंट यह कहा दिया गया है कि यह पैसिफिक ओशन से पैसिफिक ओशन में है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, इसके बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे, तो अभी तो इसका आंसर देख लेते हैं। अभी जो इसका आंसर है वो क्या है यहाँ पे, डी। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। कंटेक्स्ट लो, आपको थोड़ा बता देता हूँ अभी क्या था। अभी देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन है वो आया था, उन्होंने एक निर्णय दिया था, उसी को लेकर भी चागोस आइलैंड है वो न्यूज में है, तो वो आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है निर्भया क्रूज मिसाइल को लेके है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है हमें कि यह इंडिया की पहली इंडिजिनस डिजाइन है लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई साहब, इसकी जो रेंज है वो है 295 किलोमीटर और जो न्यूक्लियर वार हेड ये लेके जा सकती है वो है 300 kg तक का। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह है वो DRDO और रशिया के कोलबेशन के द्वारा मिलकर बनाई गई है। अब हमें यहाँ पे इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो एक बार आप तीनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए फिर देखिए इसके बारे में। देखो, यहाँ पे हम बात करें तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एक बार थोड़ा ब्रीफली डिस्कस ही कर लेते हैं। जो निर्भय मिसाइल है ना, वो इंडिया की पहली स्वदेशी डिजाइन मिसाइल है, ये ध्यान रखना है, और लॉन्ग रेंज की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब इसकी रेंज है वो लॉन्ग है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसकी जो रेंज की अगर हम बात करें तो वो है 1000 किलोमीटर, तो ना कि 300। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट गलत थे वो हमें समझ में आ गए। अब हम बात करें इंडिजिनस है तो इसको हमने इंडिया ने बनाई है, तो ऑब्वियसली तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है हो जाता है। जो यहाँ पे बात की गई है कि भाई इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, वो मिसाइल एक्चुअली दूसरी है। कौन सी मिसाइल है वो? वो है यहाँ पे ब्रह्मोस। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया ने ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो रशिया के साथ मिलकर बनाई थी, और जो निर्भय है वो तो इंडिया ने खुद ने ही डेवलप है वो की है। ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि निर्भय मिसाइल है वो 2-स्टेज मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड को भी लेके जा सकती है 300 kg तक का, और इसकी स्पीड वगैरह हुआ है 0.6 से 0.7 Mach के बीच में। तो कुछ देखो इफेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, और ये मेनली ये ध्यान रखना कि अमेरिका की जो टॉम हैक मिसाइल है उसके ही मतलब वेरियंट का इंडिया का वर्जन है। मतलब अमेरिका की तो जो टॉम हैक मिसाइल है और इंडिया की निर्भय मिसाइल है वो लगभग सेम है। ये हमें इफेक्ट ध्यान में रखना है। अब देखो, हम बात करें यहाँ पे और ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ फैक्ट के बारे में। आपको पता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल रेजिम है, जो MTCR की जो है, आपको पता है ट्रीटी एक टाइप की, वो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो कंट्रीज के मेंबर नहीं है वो 300 किलोमीटर है उससे लंबी मिसाइल है वो नहीं प्रोवाइड करा सकते, जिसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। तो उसके कारण ही जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज है पहले वो 295 किलोमीटर रखी गई थी, बट इंडिया आपको पता है उसके बाद में MTCR का मेंबर बन चुका था। तो अभी इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर से ज्यादा है वो हो चुकी है। तो हमने जो सारे फैक्ट उनको यहाँ पे कवर है वो कर लिया है ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंस एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। तो देखो, काफी अच्छा है एक्चुअली, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। पहला स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है कि यूपी, पंजाब, हरियाणा है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है उनको देखा गया है जो कि ओपीएड का यूज है वो करते हैं, और यहाँ पे ओपीएड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। ओपीएड का मतलब देखो, जो अफीम हो गई, ये मादक पदार्थ हो गई, इनकी बात यहाँ पे की गई है,
कि आपको पता है कि इंडिया में अफीम का काफी ज्यादा यूज है, कुछ कुछ एरिया में होता है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो सबसे ज्यादा जो लोग इफेक्ट है ओपेड के यूज से वो है मेनली नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये आपको ध्यान में रखना, ये कह रहा है कि जो परसेंटेज सबसे ज्यादा यूज है करने वालों का वो तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, और वैसे सबसे ज्यादा लोग यूज करने की संख्या काउंट करें तो वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंस एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस है, ये है क्या। देखो अभी नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंस एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज है इंडिया, उसने भी एक रिपोर्ट है या अपना सर्वे है वो पब्लिश किया है। इसमें ये चीज सामने आई है कि इंडिया के अंदर जो ओपीएड है ना, इसको तीन फॉर्म में यूज किया जाता है, और लगभग 2.06% जो पॉपुलेशन है वो इसका यूज है वो कर रही है। एक तो ओपियम, एक हेरोइन, और एक यहाँ पे दिया गया फार्मास्यूटिकल ओपियोड, मतलब जो मेडिसिन वगैरह होती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है उन मेटर्स में। एक तो देखो डायरेक्टली एफीम का यूज हो गया, एक हेरोइन की फॉर्म में हो गया, और एक यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ओपियोड की फॉर्म में वेरियस मेडिसिन की रूप में लोग यूज है वो करते हैं। तो तीन तरीके से एफीम का मेनली यूज है वो होता है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज है वो हेरोइन का यूज होता है। 1.14% पॉपुलेशन है वो इस हेरोइन का यूज करती है, और फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनकी फॉर्म में 0.96% यूज किया जाता है, और सबसे कम डायरेक्टली फीमेल उसका यूज है वो यहाँ पे किया जाता है। ये तो थोड़ा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही ये दिया गया है कि लगभग 77 लाख जो प्रॉब्लम्स हैं ओपीएड यूजर्स की वो यहाँ पे सामने को दी गई है। अब देखो ये दोनों के दोनों वैसे तो स्टेटमेंट आपको बताऊँ सही है, बट ये ध्यान रखना यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन एरियो में ओपीएड का यूज करने की संख्या काफी ज्यादा है, मतलब इन एरियो में पर्सन से वो काफी ज्यादा ओपीएड का यूज है वो करते हैं। जबकि बात करें परसेंटेज की, तो वो परसेंटेज हाई है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या पॉपुलेशन है कम, और जबकि वहां पे यूज कर रहे हैं वो लोग ज्यादा, तो ऑब्वियसली परसेंटेज तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुरम, उन एरिया में परसेंटेज ज्यादा है ओपीएड का यूज करने वालों का। तो यूपीएससी इसको उल्टा करके भी पूछ सकती है स्टेटमेंट को कि भाई जो परसेंटेज है वो तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा वगैरह में ज्यादा है, और जो नंबर ऑफ यूज करने वाले हैं वहां पे ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई वहां पे तो पॉपुलेशन ही कम है, तो ज्यादा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आज का वो है नेशनल सर्विस स्कीम को लेके। देखो नेशनल सर्विस स्कीम है ना, वो इंडिया गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसका मोटो था कि पब्लिक सर्विस प्रोग्राम, मतलब एक तरीके से सोशल सर्विस के लिए प्रोग्राम है, वो चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है कब चलाया गया था। देखो गांधी जी की 1969 में जो एनिवर्सरी आई थी उनकी जन्मदिन की, उसी उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट है वो किया गया था। तो ध्यान रखना उस टाइम पे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो हेड थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उस टाइम पे राधाकृष्णन आयोग भी आया था, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई जो अकेडमिक इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, उनमें वॉलंटियर बेसिस पे देश को डेवलप करने के लिए आप एक हेल्दी माहौल बन सके स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति वो अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है वो निभाए, इसके लिए नेशनल सर्विस स्कीम है वो स्टार्ट है वो की गई थी। तो यह ध्यान रखना कि नेशनल सर्विस स्कीम स्टार्ट हुई थी क्या, और इसका मोटो क्या है वो भी हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। इसके साथ ही एक न्यूज और थी, वो थी नेहरू युवा केंद्र संगठन को लेकर। देखो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि नेहरू युवा जो केंद्र संगठन है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है स्टेचुरी वगैरह जिस तरीके से, तो यह ध्यान रखना है नेहरू युवा केंद्र है वो तो बनाए गए थे 1972 में। इसके बाद में हुआ क्या था, 1987 में जब राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी वो, तो उन्होंने है वो नेहरू संगठन, नेहरू जो युवा केंद्र थे इनका नाम नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम पे चेंज कर दिया। और यह ध्यान रखना है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है। और जो स्कीम है एनएसएस वो इसी के द्वारा इंप्लीमेंट है वो की जाती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखने हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन है क्या और एनएसएस स्कीम है वो है क्या। एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल यूथ डे है वो हर साल, या हम बात करें भारत का जो युवा दिवस है वो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे था, तो युवाओं को लेकर काफी मतलब उनकी पॉलिसी अच्छी रही है, और इसीलिए हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप को लेके, कंटेक्स्ट ये आया है कि इंडिया है वो फोर्थ सबमिट को आयोजित कर रहा है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप का, यह ध्यान में रखना है। अब देखो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप यानी कि GDHP है वो एक इंटरनेशनल कोलेबरेशन है गवर्नमेंट्स का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, मल्टीनेशनल एजेंसीज, या हम बात की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, किसके लिए, यह इसलिए ताकि जो हेल्थ सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम है उनको लेकर डिस्कशन की जा सकें, वेरियस जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सकें,
इसके साथ ही जो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका बेस्ट है, अच्छे से अच्छे का यूज है वो किया जा सके, ताकि हम हेल्थ सेक्टर में और भी अच्छा काम है वो कर सकें। तो इसमें इस पर बातचीत वगैरह है वो की जाएगी। तो यह ध्यान रखना, वैसे इसको 2018 में स्टेब्लिश है वो किया गया था, तो यह एक तरह की अपॉर्चुनिटी है ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो इंगेजमेंट है डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच में, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की एजेंसीज हों, या फिर प्राइवेट स्टेक होल्डर भी आगे बात है वो कर सकते हैं। तो डिजिटल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप फॉर्म है वो इंडिया के द्वारा आयोजित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आई प्रिज्म को लेकर। आई प्रिज्म का मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रमोशन एंड मैनेजमेंट को लेके देखो यह है। अब देखो आई प्रिज्म आपको बताऊं कि है क्या, कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये आया है कि जो हमने एक डिपार्टमेंट देखा था जिसका नाम अभी चेंज होता कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत था, जिसका नाम था पहले DIPP, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसका नाम अभी देखो रिसेंटली चेंज भी किया था। तो ये देखो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। चाहे GI टेक की बात करो, चाहे टेक मार्क की बात करो, चाहे कॉपीराइट की बात करो, चाहे इंटरनल ट्रेड की बात, तो सब जगह ये डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो आप इस एक टाइप का, मतलब एज ए मजाक की फॉर्म में याद है वो रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिपार्टमेंट। तो वो उस डिपार्टमेंट के अंदर एक सेल है जिसका नाम है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जिसे कि CIPAM के नाम से जानते हैं। उसने अभी कोलाबरेशन किया किसके साथ, SOCHM और इसके साथ ISCON इंडिया के साथ। देखो ये क्या है, ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे फिक्की हुआ, ये क्या है कॉर्पोरेट ग्रुप्स, मतलब जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती है हमारे देश की, उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं अलग अलग। तो एक तो है SOCHM, ये क्या आयोजित केस में, मतलब इन्होंने कोलाबरेशन में क्या किया, इस कोलाबरेशन में उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, ताकि उनकी हेल्प से स्टूडेंट हैं उनको अवेयर किया जा सके, उनके अंतर्गत मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा है, कि वो किस तरीके से अपने माइंड के जो आइडियाज हैं उनको रियल फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लेके उनको लोगों को अवेयर किया जाएगा और ये कॉम्पिटिशन है वो डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे, स्कूल के स्टूडेंट हो गए या फिर पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हो गए, ये काम बेसिकली इसके द्वारा किया जाएगा। तो जो एक हम ये बोल सकते हैं कि आई प्रिज्म है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट हुए, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेज वगैरह के, इनके अंदर अवेयर करने के लिए है, या उनके अंदर एक तरीके से जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनको डेवलप करने के लिए है इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था। तो अभी इसका सेकेंड फेज है वो स्टार्ट किया गया है किस किस के द्वारा, CIPAM, SOCHM और ISCON इंडिया के द्वारा। तो देखो इतने से बढ़ना जरूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम है वो किया गया है और है क्या इसका मोटो। मोटो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो यंगर जनरेशन है इसके अंदर इनोवेशन है और जो क्रिएटिविटी है इसका कल्चर डेवलप किया जा सके, इसके साथ ही एक ऐसा उनको माहौल, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिल सके यूथ को कि वो अपना नॉलेज को सही ढंग से सही डायरेक्शन यूज है वो कर सकें। तो उसके लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर IPRIZM है वो काम करने वाला है। CIPAM के बारे में देखो अभी हमने डिस्कस भी किया था, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट है वो, कि बेसिकली एक बॉडी एक है जो कि DIPP, जिसका नाम अभी देखो रिसेंटली चेंज भी कर दिया गया, तो अब नाम इसको चेंज है यहाँ पे कर लेना। हमारे देश में एक नेशनल IPR पॉलिसी आई थी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी का मोटो ये था कि हमारे देश में जो IPR पॉलिसी है ना, इसके बारे में लोगों को अच्छे से अवेयर किया जा सके, कैंपेन स्टार्ट है वो किए जा सके, तो इनको इम्प्लीमेंट करने का काम है वो भी CIPAM को ही दिया गया था। इसका स्लोगन था 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्लोगन था क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक अवेयरनेस हुआ इसका काम, प्रमोटिंग IPR राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करना, किस तरीके से IPR के लिए वो अपने एप्लीकेशन वगैरह जारी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, क्या कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन कोलैबोरेशन करना है मिनिस्ट्रीज हुई डिपार्टमेंट के साथ वगैरह वगैरह, ऐसे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट जो दो छोटी छोटी न्यूज है, बस आपको ज्यादा इसमें कुछ याद रखना नहीं है। एक तो वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी कि WFST, ये है क्या, ये ध्यान रखना है कि नासा की एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि नाम से पता चला कि सर्वे, देखो UPSC शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेती है कि WFST है क्या, तो ध्यान में रखना है नासा की एक टेलीस्कोप है। किस लिए है, ये स्पेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है कि वहाँ पे डार्क एनर्जी हुआ, एक्सोप्लैनेट को, इंफ्रारेड जो एस्टेरॉयड फिजिक्स है इनको स्टडी करने के लिए। एक है न्यू होराइजन मिशन, तो ये भी आपको पता है, ये काफी बार डिस्कस भी किया हमने कि न्यू होराइजन मिशन है वो नासा का है जो कि जो अल्टीमा थूले है क्यूपलर बेल्ट में उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था, तो अभी वहां पे उन्होंने फोटो वगैरह भेजी है तो उसको लेके न्यूज में आया है। अब हम देख लेते हैं एक बार क्यूपलर बेल्ट की लोकेशन। देखो ये तो हो गया हमारा सोलर सिस्टम, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे अर्थ आपको दिख रही है। अब अर्थ के बाद में यहाँ पे जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यहाँ पे यूरेनस आता है, नेपच्यून आ गया और लास्ट में आता है हमारा प्लूटो। तो जो प्लूटो के जो बाहर आपको पता है यहाँ पे एक बेल्ट है,
आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में दो बेल्ट है, एक तो हो गया अंदर की साइड जिसे हम एस्टोरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया यहाँ पे क्यूपलर बेल्ट जो कि सबसे आउटर साइड है। तो उस क्यूपलर बोल्ट में, क्यूपलर जो बेल्ट है, इसी में एक एस्टोरॉयड टाइप की एक मतलब एक पिंड है, हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, अल्टीमा थुले। तो उसकी स्टडी के लिए न्यू होराइजन मिशन है वो भेजा गया था, और उसने अभी वहां से फोटो वगैरह भेज दी। तो ये ध्यान रखना है क्यूपलर बेल्ट कहाँ पे है और जो एस्टोरॉयड बेल्ट है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है 1514 को लेके। तो है क्या कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट देखो ये था कि जो चागोस आइलैंड को लेकर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी पे है। एक बार पहले लोकेशन देखते हैं, देखो ये है यहाँ पे इंडियन ओशन में चागोस आइलैंड की लोकेशन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि देखो मालदीप यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लक्षद्वीप दिख रहा होगा, ये लक्षद्वीप है, ये मालदीप होगा, ये चागोस आइलैंड हो गए, ये सेशल्स हो गए, ये यहाँ पे मेटे हो गए, ये मेडागास्कर होगा, ये मॉरिशस होगा। अब यूपीएससी एक तो इनको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट वगैरह इधर से उधर अरेंज है वो करवा सकती है, यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार। तो ये सारी हमें लोकेशन पता होना चाहिए। यूपीएससी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि इनको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। अब देखो बात ये थी कि जो मॉरिशस है ना वो 1968 में आजाद है वो हुआ था, उससे पहले यहाँ पे जो मॉरिशस है वो भी ब्रिटेन की टेरिटरी या ब्रिटेन की हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे उन्हीं का एक तरीके से मतलब कब्जा यहाँ पे था ब्रिटिश लोगों का ही। अब बात ऐसी है कि उस टाइम पे जब मॉरिशस आजाद हुआ ना तो उस टाइम पे ब्रिटेन ने फोर्सफुली चागोस है इसको अपने अंदर ले लिया प्रेशर करके, मतलब प्रेशर करके, और तब से ही जो चागोस आइलैंड है वो ब्रिटेन की प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन के अंडर ही था। तो ये मामला फिर मॉरिशस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया कि देखो भाई जो रिजोल्यूशन है यूएन का 1514 उसका उल्लंघन किया गया। 1514 जो रिजोल्यूशन है यूएन का, इसका ये प्रावधान किया गया था कि 1960 में रिजोल्यूशन मतलब पारित हुआ था, उसमें ये था कि भाई कोई भी जो उपनिवेश है, जो कॉलोनी है किसी भी कंट्री, जैसे उस टाइम पे आपको पता है ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, तो उन कॉलोनियों का आप विभाजन है वो नहीं कर सकते, मतलब उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि उस टाइम तो चागोस था वो मॉरिशस का ही भाग था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, मॉरिशस को तोड़ के चागोस वाला हिस्सा है ब्रिटेन ने अपने अंडर ले लिया था, और इसीलिए जो यूएन रिजोल्यूशन है वो आया था कि भैया आप ऐसे टुकड़ों करके नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूएन रिजोल्यूशन 1514 है क्या। अब अलग तो हो गया, इसके बाद में जो मॉरिशस है वो बेचारा चला गया वहां पे आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो ब्रिटेन ने उन्होंने बोल दिया कि देखो हमें फोर्सफुली मतलब उन्होंने जो चागोस आइलैंड है वो ब्रिटेन ने कब्जा वगैरह कर लिया है। तो अभी डिसीजन ये आया है कि भैया चागोस आइलैंड है वो आप वापस दे दीजिए मॉरिशस को, ये एक आईसीजे का डिसीजन आया है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, लोकेशन हो गई और यूएन रेजोल्यूशन 1514 के बारे में भी पूछ सकती है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज है वो है इंटरनेशनल वॉर मेमोरियल को लेके। देखो सॉरी नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल जो वॉर मेमोरियल है वो दिल्ली के जो इंडिया गेट है उसके पास के एरिया में ही स्टार्ट है, या एक तरीके से उसका इनॉग्रेशन है वो किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, इसका मोटो क्या है, क्यों इसको बनाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल का मोटो ये है कि देखो हमारे देश के वो जवान जिन्होंने पीस कीपिंग मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वहां पे उन्होंने अपने बलिदान दिया, या फिर हम बात करें हमारे देश में जो इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है इनको काउंटर करने में उनका अद्वितीय योगदान, या चाहे नक्सलवाद हो या फिर और भी तरह के मामले हम देख सकते हैं, तो उनकी याद में नेशनल वॉर मेमोरियल है वो बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम बात करें 1962 में जो चाइना इंडिया का वॉर हुआ था, 1947 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर में जो जवान शहीद हुए थे, 1965 में, 1971 में या 1999 में, तो उस दौरान जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में नेशनल वॉर मेमोरियल है वो मेनली बनाया गया है, या फिर जिन लोगों ने अपना अद्वितीय योगदान है वो दिया है। नेक्स्ट छोटी सी न्यूज है वो आई है एक और मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर। देखो कल ही इंडिया ने पाकिस्तान पे जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसी को लेके यह न्यूज है वो आई है। कंटेक्स्ट ये आपको बताइए कि मिराज 2000 जो फाइटर जेट है इनका यूज किया गया था अभी पाकिस्तान के जो नक्सल के जो सॉरी पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद के कैंप है उनको तबाह करने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिराज 2000 फाइटर जेट के बारे में। पहला फैक्ट तो ये है कि यह इंडिया और फ्रांस के द्वारा डेवलप किए गए थे। राफेल भी आपको पता है फ्रांस से डेवलप किया जा रहा है, उसी तरीके से जो ये मिराज प्लेन है ये भी एक्चुअली इंडिया और फ्रांस की ही देन है। ये बनाए गए थे उस टाइम पे डेसोल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की एक मतलब डिफेंस की एक कंपनी है एविएशन सेक्टर की, उसके द्वारा इनको डेवलप किया गया था। 1999 के जो कारगिल वार में यूज हुआ था वो भी इन्हीं का यूज है वो किया गया था। तो ये कुछ दो चार छोटे छोटे फैक्ट्स हैं यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। यहाँ पे मल्टी रोल यूज एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन है इसमें, फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, ये आपको ध्यान रखना है फोर्थ जनरेशन है। तेजस है वो भी फोर्थ जनरेशन का है बट वो थोड़ा एडवांस है तो हम उसे बोलते हैं 4.5, बट नॉर्मली वो फोर्थ जनरेशन में काउंट है
वो होता है। तो ये कुछ फैक्ट है जिन्हें हमने यहाँ पे कवर किया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।